told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल गाइस आर फाइन। सो गाइस, आज के व्लॉग में जो है हम लोग अपने डेविल को बनवाने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा हुआ कि मेरे डेविल में जो है कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण वर्ष इंजन ऑयल लीक कर गया था। तो आज हम लोग उसको बनवाने वाले हैं, और साथ ही साथ जो है मेरा बाल भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसको भी हम लोग एक नया लुक देने वाले हैं, क्योंकि मैं इस बाल से थोड़ा परेशान और बोर दोनों हो चुका हूँ। तो आज चलते हैं, इसको भी एक नया लुक देते हैं, और बिना टाइम इसकी वीडियो सकते वक्त वीडियो में करते हैं। About to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at it. So finally, जो है मैंने अपना हेयर कट ले चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं थोड़ा इनोसेंट, क्यूट और जेंटलमैन टाइप दिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत बोर हो गया था मैं कई लंबे बाल से। और लंबा बाल का एक ये भी है प्रॉब्लम कि उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, साथ ही साथ जो है लंबा बाल कारण मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि रात को अगर लंबा बाल मेरे हाथ के नीचे दब गया और मैंने सर उठाया, इतना दर्द रहता था कि पूरा नींद उड़ जाता था मेरा। तो मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि बहुत हो गया लंबा बाल, अब जो है छोटे छोटे बाल करा लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही छोटा बाल करा चुका है मैंने, और आप लोग सोच रहे होंगे कि हेयर कट का वीडियो और बाइक रिपेयर का कहाँ गया, तो वो मैंने नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था मेरा आज का। तो ये रहा मेरा डेविल, जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और इसमें प्रॉब्लम क्या था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो प्रॉब्लम बेसिकली इसमें ये था कि एक पाइप यहाँ होता है एयर फिल्टर के पास, जहाँ पर ये इंजन का भी जाता है पाइप, तो वही एक सिंगल पाइप जो है साइड से फटा हुआ था, तो वहाँ से पानी चल गया था इंजन के अंदर, जिसके कारणवश इंजन ऑयल जो है पतला हो गया था और इंजन ने ऑयल बाहर फेंक दिया था। तो यहाँ पर बेसिकली वो पार्ट है एयर फिल्टर का, तो यहीं से पूरा ऑयल गिर था, फिर यहाँ से पूरा ऑयल मतलब मस्त चिकना चिकना गिर गया था पूरे इंजन ऑयल। तो हमने वो पाइप चेंज कर दिया है और इंजन ऑयल भी चेंज कर दिया, क्योंकि इंजन ऑयल जो है ख़राब हो गया था। उसके बाद अब डेविल टोटली ठीक हो चुका है, और ये जो है बार एंड साइड मिरर्स हैं, तो इनको भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि बिना साइड मिरर्स के बाइक चलाना बहुत ही रिस्की होता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइक का, क्योंकि इसके बिना आप पीछे मुड़ के देख नहीं पाएंगे, और अगर पीछे मुड़ के आप देखेंगे भी तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए मैं आज इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं, बाकी बात इंस्टॉल करने के बाद करते हैं। गाइस, हैव वी गॉट आवर साइड मिरर्स, इसको हम लोग आज इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अब जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. फाइनली जो है मैंने ये दोनों प्रोटेक्टर खोल दिया है, हैंडल का जो प्रोटेक्टर होता है, और दोनों साइड मिरर्स भी लगा दिए हैं। तो आप एक बार लुक देख लीजिए कैसा है, उसके बाद फिर देखते हैं। तो साइड मिरर्स हम इंस्टॉल कर चुके हैं, और जैसे हम देख सकते हैं वापस से क्या मस्त भयानक वाला डेविल वाला लुक आने लगा इसका। इसका बंटगाड़ा भी मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, बादल बादल किए रहता है 24 घंटा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा पीठ ख़राब हो जाए, कोई भी मेरा कपड़ा गंदा हो जाए, इसलिए मडगार्ड अभी लगे रहेगा। बाकी अभी भी दो मॉडिफाइड चीज़ लगे हुए हैं, एक तो ये, दूसरा ये, बस इतना ही है। अब देखते हैं, जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे मॉडिफिकेशन कराएंगे, क्योंकि बाइक तो अब रेडी हो चुका है, बस इसे मॉडिफिकेशन कराना ही बाकी है।
और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये नया हेयर स्टाइल पसंद आया होगा, ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पता ही थोड़ा छोटा सा ब्लॉग है, लेकिन मैंने सोचा कि शेयर करना चाहिए कि मेरा डबल ठीक हो चुका है और मैंने साइड मिरर्स लगा लिया और नया हेयर स्टाइल मैंने रख लिया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया। ये क्वालिटी ब्लॉग भी नहीं मुझे पता है, लेकिन छोटा सा एक ब्लॉग तो बनता ही था। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले एक बहुत ही मस्त से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.